हेलो दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो टीम एवोल्यूशन का एक पॉडकास्ट आया हुआ है प्रोफेशनल मैग्नेट के साथ में, जिसमें कि उन्होंने डिस्ट्रैक्स के बारे में बात की हुई है। साथ ही प्रोफेशनल मैग्नेट ने रफ्तार के बारे में भी बात की हुई थी, मतलब कि रफ्तार ने क्या कहा हुआ है डिस्क के बारे में। तो आप खुद देख सकते हो ये क्लिप। वैसे डिबेट्स होती ना, तो मतलब वैसे ही कुछ चीजें होते तो अच्छा चलता है ये, मतलब बकचोदी वाली चीजें सही है। आपको हिप हॉप का बहुत बड़ा पार्ट रहा है बीफ बहुत टाइम से, वो अब NWA जो गैंगस्टर रैप उनका फेमस हुआ था, वो भाई वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कॉन्शियस रैप भी था, बट वो बीफ था तो डिस सॉन्ग ही सॉर्ट ऑफ अ डिस। तो वो पार्ट है, वो अभी भी वही चलती है, गोली पड़ती रहती है बार, आप रोज न्यूज़ आती है सुनने में, आज ये मर गया वो मर गया मर गया, वहाँ वो चली रहा है। तो इंडिया में ये आगे चल के ना बन जाए, तो जो चीज वहाँ पे 90s में हुई थी वो देखो आप इंडिया में अब स्टार्ट हुई है। और ये मतलब हमारा पर्सपेक्टिव है बीफ के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं कि सब कर रफ्तार भैया के साथ एक बार मैंने वीडियो करी थी, तो उसमें उन्होंने बताया था, कहते हमारे इंडिया में क्या सीन है ना, हम फैमिली वाले रैपर्स हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। हमारा कल्चर वैसा है कि हमें हमारे माँ बाप हैं, आसपास पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनका क्या है, उनका कुछ नहीं होता वहाँ पे। हम तो बकचोदी नहीं करते, अगर हाँ मेरे घर वालों के बारे में कोई बोल रहा है, बहन के बारे में, माँ के बारे में, तब साथ ही इस फुल पॉडकास्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जाके जरूर देख लेना। साथ ही रफ्तार ने आज अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था थैंक यू KFC, और आप देख सकते हो पीछे मतलब कि स्क्रीन पर शायद वो किसी सॉन्ग पर काम कर रहे हैं, आप पता नहीं ये सॉन्ग भी आएगा या फिर नहीं आएगा। अगली जो न्यूज है वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। तो कृष्णा ने आज अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली हुई थी, मतलब की पेड पोस्ट थी, पर उसके नीचे उन्होंने एक हैशटैग लगाया हुआ था, हैशटैग हां पहले ये सब कर लो। मतलब आपको पता ही होगा कि कृष्णा के काफी दिनों से सॉन्ग वगैरह नहीं आए हुए हैं और लोग उनसे यही बोलते हैं इस पोस्ट के नीचे, तो उन्होंने खुद ही लिख दिया। साथ ही ब्रदवी ने आज एक स्टोरी डाली, जिसमें कि आप देख सकते हो उन्होंने 8 तारीख की डेट दी हुई है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कृष्णा के साथ जो उन्होंने कोलैब सॉन्ग बनाया हुआ है वो रिलीज करें। साथ ही 47 ने यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही मुफासा रेक्स ने उनकी EP की ट्रैक लिस्ट जारी कर दी हुई है। साथ ही इक्का और राहुल सातू के जो कोलैब सॉन्ग है वो वीडियो के साथ में हमको कल देखने के लिए मिलने वाला है, जिसका उन्होंने टीजर भी रिलीज कर दिया हुआ है। साथ ही रणवीर पाजी का भी एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, तो इन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में अगली वीडियो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।